Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our math class. Open your books, page number 354. Today we will start our next section, 14.5, volume and surface area of cylinders. Cylinders kya hote hain basically? Hum log consider kar lete hain 50 cent coin ya phir aap 1 rupees coin consider kar lo. Cents are used by Americans. जो कि डॉलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है. हम लोग 1 रुपी कॉइन कंसीडर कर लेते हैं. अगर हम लोग 1 रुपी कॉइन बहुत सारे लेकर उनको पाइल अप करें, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, ठीक है, एग्जैक्टली, तो हमारे पास ये एक शेप बनेगी. दिस इज़ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है. ये एक सिलेंडर बन जाता है हमारे पास. ये इसकी हाइट है और ये ऊपर जो सर्कल है, सर्कुलर है, ये इसका बेस एरिया है, ठीक है. तो ये देखो, ये उसने अलग से भी ड्रॉ करके दिए हुए हैं, फिगर नंबर 14.8. दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिलेंडर. अ सिलेंडर हैज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सो ये यहाँ से टॉप टू द बॉटम, ये इसकी हाइट है और ये जो बेस एरिया है ये इसका सर्कुलर है, ठीक है. तो जब हम लोग प्रिज्म स्टडी कर रहे थे तो उसका जो बेस एरिया होता था या बेस होती थी वो ट्राइंगल होती थी, रेक्टेंगल होती थी और ट्रेपीजियम होती थी, ठीक है. बट यहाँ हमारे पास सर्कुलर बेस होगी, ठीक है. तो सर्कल का एरिया और पेरीमीटर का हम फॉर्मूला यहाँ अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है. बिकॉज हमने जब प्रिज्म स्टडी करने से पहले हमने पहले ट्रेपीजियम, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया भी स्टडी किया था. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव स्टडीड सर्कल इन आर जूनियर क्लासेस. ये एक सर्कल होता है, ठीक है. अब सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है. सो रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. यू कैन यूज़ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, ठीक है. सो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है. सो जो हमारे पास ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने रफली ड्रॉ किया. सो दिस इज रेडियस ऑफ बेस एंड दिस इज द हाइट रिप्रेजेंटेड बाय एच, स्मॉल एच, ठीक है. सो बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, जब हम लोग यहाँ पे बेस एरिया की वैल्यू पुट करते हैं, बेस एरिया क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एच. सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. अगेन रिपीट कर रही हूँ, वही फॉर्मूला है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए था. फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि हमारे पास बेस चेंज हो गई है, बेस सर्कल आ गई है हमारे पास. तो सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर लेना है. रेडियस की लेंथ दी हुई होगी हमें तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ. सो पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच. पाई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटर में स्टोर्ड है, ठीक है. मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 355, देयर इज अ नोट रिटन इन मैनी वेज अ सिलेंडर इज लाइक अ प्रिज्म. ये उसने ड्रॉ करके दिखाया हुआ, ठीक है. अगर हमारे पास बहुत सारे साइड्स वाली शेप हो, यानी पॉलीगॉन हो, ठीक है, और उसकी साइज अगर इंक्रीज होती जाए तो वो एक सर्कुलर बेस बनाती जाएंगी, ठीक है. सो ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं बनाएंगी बट सिमिलर टू सर्कल, ये देखो, ठीक है. सो उसने आगे लिखा है, हाउएवर अ सिलेंडर इज नॉट अ प्रिज्म बिकॉज द बेस ऑफ प्रिज्म मस्ट बी पॉलीगॉन बट द बेस ऑफ सिलेंडर इज अ सर्कल. दिस इज एन एमसीक्यू, यू कैन अंडरलाइन इट. नेक्स्ट इज ऑल्दो अ रेगुलर पॉलीगॉन कैन बिकम अ सर्कल इफ इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इंक्रीज इनडेफिनेटली. सो दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू, अंडरलाइन इट. एंड नेक्स्ट इज अ पॉलीगॉन मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स एंड सो अ सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज सर्कल हैज नो साइड्स, ठीक है, उसकी एक ही साइड होती है, दैट इज सर्कुलर. मूविंग ऑन टू सर्फेस एरिया. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 357, सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है. तो सर्फेस एरिया में हमारे पास फॉर्मूला जो प्रिज्म के लिए यूज़ हो रहा था उसमें था पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय
हाइट ऑफ प्रिज्म, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म था, ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पे यूज होगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग इसको ओपन करके इसकी ऊपर वाली, ऊपर जो उसका उसकी बेस है वो सर्कुलर से अलग से ड्रॉ कर दें, नीचे जो उसकी बेस है उसे अलग से ड्रॉ करें, और जो सेंटर में एक कैलेंडर की फॉर्म कंसीडर कर लो, आपके घर में कैलेंडर्स होते हैं, अगर हम उसको रोल करें और अगर उसे ओपन करें तो इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो अब उसे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं कुछ, द नेट ऑफ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 डैश एंड 1 डैश, सो 2 circles हैं इसके अंदर एंड 1 rectangle है, ठीक है। सो यू विल राइट 2 circles एंड 1 rectangle। आगे सिंपल कैलकुलेशन हैं, अब हम लोग मूव करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला की तरफ। तो बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म में हमारे पास फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 इंटू बेस एरिया। यहाँ पे हम लोग सिलेंडर स्टडी करें, सो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर होगी और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr, 2 × π मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस, बेस रेडियस जो होता है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर ऊपर वाले सर्कल का भी वही रेडियस होता है और ये चलता जाता है नीचे तक, लास्ट जो एंड बॉटम पे जो सर्कल होता है बेस का जो होता है सर्कल उसका रेडियस भी वही होता है, ठीक है, ऊपर से लास्ट एंड तक रेडियस सेम रहता है। सो आर की वैल्यू भी सेम रहती है और हाइट भी, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2πr, दैट इज ऑल्सो रिटन इन योर बुक, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की इसकी लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला में हम वैल्यूज अगर फॉर्मूला बनाना चाहें इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो पेरीमीटर की जगह पे लिखेंगे 2πr, उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h प्लस 2 जो है ये हमारे पास फॉर्मूला में पहले से है, मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया, बेस एरिया हमने पहले पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। Now you have to learn both the formulas, that is volume of cylinder and surface area of cylinder, ठीक है।